आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैक्सीन प्रोडक्शन। तो वैक्सीन्स का नाम आप लोगों ने सुन रखा है, बच्चों को पता भी होगा कि व्हाट आर द वैक्सीन। आप वैक्सीन को यूं कह सकते हैं कि समथिंग आर वी कैन से सम एजेंट्स दैट ट्रिगर्स एन इम्यून सिस्टम, कि कुछ ऐसे को एजेंट कह लें या कुछ ऐसी कोई समथिंग ऐसी कह लें, कुछ हैं कि जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अब जो है वैक्सीन जो है ये प्रोड्यूस होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं इनकी प्रोडक्शन के लिए और फर्मेंटेशन का प्रोसेस करवाया जाता है। ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब वैक्सीन की टाइप्स हैं समटाइम्स। अब ये है वैक्सीन एक्चुअली होती क्या है ना, ये किस तरह से इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है। एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल आपने टीबी की वैक्सीनेशन करवाई होगी या हेपेटाइटिस सी की या कोई और अदर वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि वही डिजीज के, फॉर एग्जाम्पल टीबी की वैक्सीन करवाई है ना, तो टीबी के जरासीम डाले जाते हैं। ठीक है, अब उसका एंटीजेंस डाले जाते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि जरासीम डालने का हमने इतनी अमाउंट में डालने कि टीबी नहीं करानी बंदे को, लेकिन इतनी स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करने हैं कि आपका इम्यून सिस्टम जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है उसको इनिशिएट करना है। दिस इज यही हमारा, दिस इज द ओनली पर्पस फॉर वैक्सीनेशन, कि नेचुरल इम्यून डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करवाना अगेंस्ट द पार्टिकुलर डिजीजेज। अब जो वैक्सीन्स हैं इनकी जो मेन टाइप्स है ना, ये टू टाइप्स हैं। ठीक है, या तो ये पूरी की पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है वैक्सीन की कंस्ट्रक्शन के लिए, या उसका एक पार्ट यूज़ किया जाता है जिसे सब यूनिट कहते हैं, वो रिकम्बिनेंट वैक्सीन हैं जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हमें मिलती हैं। अच्छा, जो हमारी जो मेन जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है ना पूरे का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें जो एक लफ्ज होता है एक्टिवेटेड, एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं। ठीक है, उन्हें हम किल्ड वैक्सीन भी कहते हैं कि ज़ाहिर इनएक्टिव है तो मरी पड़ी है। ठीक है, किल्ड वैक्सीन है। अब जो है एक्टिव जो है अटेनुएटेड वैक्सीन भी उन्हें कहते हैं। अटेनुएटेड अगर इंग्लिश की इसकी मीनिंग को देखें ना, इंग्लिश लैंग्वेज में इसका समथिंग इज लेसेंट वीकेंड, तो मतलब कि कुछ वीकेंड पोर्शन है आप जो है ना, कि सारी की सारी किल नहीं है लेकिन वीक किया गया ना, तो ये उसके भी किलिंग है वीकेंड के, वीक करने के भी ये है कुछ मेथड है कि फॉर्मलिन अगर उसमें प्रिजर्व कर दिया जाए या हीट किलिंग कुछ कर दी जाए, कुछ लाइव रखा जाए पोर्शन, तो इस तरह से ये डिफरेंट जो है ना जो है वैक्सीन यूज़ की जाती हैं डिफरेंट टाइप की डिजीज़ के लिए, लेकिन इनका मेन पर्पस यही है। अब भले से आप केमिस्ट्री के हैं, जोलॉजी के, कोई भी लाइफ साइंसेज, लेकिन इतना हर बंदे को शऊर होता है कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी और मेरा इम्यून सिस्टम क्या है, डिफेंस सिस्टम है, ये सबको पता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये कोरोना वायरस भी है, तो इसमें क्या है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है ना, तो वो उस वायरस जो है ना उसके अगेंस्ट फाइट कर जाते हैं। अब जो वीक इम्यून डेफिशिएंट पीपल हैं बेचारे, वो उन पे ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, अब इम्यूनिटी जो आप लोगों ने अगर भले से नहीं ही भी पढ़ा, इम्यूनोलॉजी पूरी साइंस है, पूरी पूरी बुक साइंस पे, उसमें क्या होता है कि हमारी जो है इम्यूनिटी की भी टाइप्स हैं, ये कि जस्ट बेसिक है इम्यूनिटी की टाइप है, उसमें ये है कि बाय बर्थ एक इम्यूनिटी होती है जिसको हम कह देते हैं इननेट इम्यूनिटी। जब बंदा पैदा होता है ना, जो भी बच्चा, तो उसको जो नेचुरली गिफ्टेड मिलती है विरासत में इम्यूनिटी, उसको बाय बर्थ जो उसको इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है इननेट इम्यूनिटी की आपको कोई भी डिजीज वो काम करती है, लेकिन समटाइम जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहता है उसके रिस्पॉन्स में जो सेकेंडरी इम्यूनिटी होती है ना, वो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं उसको, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। उसमें फिर एक्टिव इम्यूनिटी आ जाती है और पैसिव। एक्टिव में ये होता है कि जो है ना उसमें एंटीजेंस दिए जाते हैं, जर्म्स दिए जाते हैं, और पैसिव में उसके नाम से जाहिर है कि एक पर्सन में पहले उसको एंटीजन दे के एंटीबॉडी प्रोडक्शन की जाती है और फिर किसी दूसरे पर्सन में जो है ना उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। अब जो है ना, अब नेक्स्ट आपको बताती हूँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होते हैं, कि सभी अभी बता दिया तो आपने मिक्सअप कर देना है। फिलहाल आप इतना अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज़ वैक्सीन्स, के आप ये कह लें समथिंग और सम एजेंट्स दैट ट्रिगर्स एन पार्टिकुलर इम्यून सिस्टम, लेकिन वो ऐसे हमने देने हैं कि कुछ जर्म्स देने हैं उसी डिजीज़ के अगेंस्ट, वो डिजीज़ काज ना करें लेकिन इम्यूनिटी को
एक्टिवेट कर दे, इम्यून सिस्टम को, नेचुरल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, जो एक पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करे और उसको डिजीज को उसके जो इफेक्ट्स हैं उनको ओवरकम किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। वैक्सीन्स मे बी डिफाइंड एज द एजेंट्स विच एनहेंस द एक्टिव इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। वही वाली बात कि वैक्सीन क्या है, कि एजेंट्स हैं, क्या करते हैं, एनहेंस द एक्टिव इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया एक्टिव इम्यूनिटी। अब मैंने बताया कि इम्यूनिटी की जो आप जनरल नॉलेज के लिए आप समझ लें कि टू टाइप्स हैं, एक बाय बर्थ है जो नेचुरल बच्चे को मिली है कि विरासत में इम्यूनिटी है, और उसके अगेंस्ट अब वो किसी हद तक काम करती है, जब ज्यादा कोई इन्फेक्शन या कुछ हो जाए तो फिर सेकेंडरी इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, वो ट्रिगर हो जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी मैंने बताया कि उसकी भी फर्दर टू टाइप्स हैं, एक्टिव है और पैसिव है। एक्टिव फॉर्म में है कि एंटीजेंस जो हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है, और पैसिव होगा कि एक बंदे में पहले जो जरासीम उसको लगाए उसमें जो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हुई है वो एंटीबायोटिक डायरेक्ट इंजेक्ट की जाती है उसकी, सेकेंड पैसिव उसके नाम से ही जाहिर है। ठीक है, अब एंटीजन एंटीबॉडी का भी आपको बता दूं, एंटीजेंस क्या होते हैं ये वर्ड पे गौर करें, एंटीजेंस और एंटीबॉडी, इनके डिफरेंस को आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल किसी आप में से अल्लाह ना करे किसी को किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया है, या डाइगर वेस्ट ने आपको वो जो है काट लिया है, ये डंग मार लिया जिसको भीड़ कहते हैं, तो उसने क्या किया, उसने जो फॉरन जो है आपके अंदर जो है वो जो टॉक्सिन एंटर की उसको एंटीजन बोलेंगे। फॉरन जो है पार्टिकल्स जो आपकी बॉडी में फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर होते हैं ना, फॉरन जो है वो एंटीजन है, टॉक्सिन। अब क्या करना है कि आपकी बॉडी में जो अल्लाह ने नेचुरल इम्यून सिस्टम रखा हुआ है ना, उसने ट्रिगर होना है, उसने एक्टिवेट हो जाना है। तो इन रेस्पॉन्स टू फॉरन टॉक्सिन और फॉरन एंटीजन हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है करस्पॉन्डिंग टू द फॉरन एंटीजन। करस्पॉन्डिंग का वर्ड ये है कि पर्टिकुलर उसी कंपैटिबल होंगी उसी एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज जो प्रोडक्शन होगी, और वो क्या करेंगी, वो उसकी टॉक्सिफिकेशन जो है और जो उसका टॉक्सिक इफेक्ट है उसको वो डिफेंस प्रोवाइड करेंगी, उनकी किल कर देंगी, और इस तरह जो है बॉडी जो है उस जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन है या टॉक्सिन है उसे अपने आप को ओवरकम कर सकेगी। ठीक है, अच्छा अब जो है ना यही बात है कि ये एक्टिव इम्यूनिटी, अगर वैक्सीन्स की बात करें तो एंटीबॉडीज, एंटीजन की बात करें ना, जेन तो एक्टिव इम्यूनिटी है कि एंटीजेंस दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये एक्टिव। अगर पैसिव की बात तो एंटीबॉडीज का ये याद रखना है, और एंटीजेन का आपने याद रखा कि फॉरन इन्वेडर्स ने अटैक किया, फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट इम्यूनिटी जो ट्रिगर होती है एंटीजन एंटर होते हैं बंदे में, और उसके अगेंस्ट जो बॉडी ने मुदाफत जो जो है रिस्पॉन्ड करना है वो एंटीबॉडीज बनानी है, ये याद रखनी है आपने चीज। अच्छा, दे गिव अस अ हेल्दी डिफेंस, द वैक्सीन यूज टू ट्रीट फॉर अ पार्टिकुलर इन्फेक्शन उन्हें वैक्सीनेशन कहते हैं। ऑलराइट, अब इसकी हिस्ट्री को देखा जाए, द वर्ड वैक्सीन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वैक्सीनस, ठीक है, अच्छा उसने ये जो डिस्कवरी की थी, ये जो साइंटिस्ट हैं एडवर्ड जेनर जो हैं, इन्हें 1798 में सबसे पहले जो वैक्सीन जो डिस्कवर हुई थी ना वो स्मॉल पॉक्स की हुई थी ह्यूमंस में, और उस वक्त ये समझा था कि वैक्सीन का मतलब ये स्मॉल पॉक्स को ठीक करने वाली चीज का नाम है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटेड 1798 कुड प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स इन ह्यूमंस। अच्छा, अब जो है पहले तो यही समझ स्मॉल पॉक्स को ट्रीट करने के लिए जो चीज यू वैक्सीन है जी। अच्छा, अब जो है अब करंटली टुडे द टर्म वैक्सीन जो है अप्लाइज टू ऑल बायोलॉजिकल प्रेपरेशन, ये सारी जो है ना जितनी भी डिजीज को क्योर करने के लिए बनाई जाती हैं तो उन सब के लिए ये एक पर्टिकुलर ये वर्ड यूज किया वैक्सीन, सिर्फ एक डिजीज के अगेंस्ट को इसको नहीं, इसमें सारा कुछ कवर हो जाता है। अप्लाइज टू ऑल बायोलॉजिकल प्रेपरेशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एनहांस इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस। अच्छा, वैक्सीन करती क्या, जैसे मैंने आपको बताया है कि वैक्सीन में इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनकी प्रोडक्शन हुई है, तो अब वेन इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड यानी कि किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मार के उनके जो बनाई जाती है या उनको उनके जो है थोड़ा सा पोर्शन अलाइव रखा जाता है, कंप्लीटली किल्ड नहीं होते, वीकेंड अटेन्यूएटेड बोलते हैं, ठीक है,
और ये अगर ये यूं कह लें इनएक्टिव हैं या कुछ एक्टिव हैं तो उसमें भी एक्टिव पोर्शन बहुत कम है, ठीक है। व्हेन इनएक्टिवेटेड आर वीकेंड डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी, दे इनिशिएट एन इम्यून रिस्पॉन्स। कि इनको जब बात वही हो रही है कि वैक्सीन जब दी जाती हैं किसी भी फॉर्म में, इनएक्टिव या एक्टिव फॉर्म में, तो उन्होंने क्या करना है, इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करना है, ठीक है। दिस रिस्पॉन्स मिमिक्स द बॉडी नेचुरल डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट द पर्टिकुलर इन्फेक्शन। दिस एंटीजन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। वही वाली बात कि एंटीजन जैसे ही दाखिल होते हैं ना बंदे में, ये क्या जो वैक्सीन देते हैं कि एंटीजन दाखिल करते हैं बॉडी में, तो उसके अगेंस्ट बॉडी में नेचुरली डिफेंस के तौर पे एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होती है बाय द इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडीज बाइंड टू करस्पॉन्डिंग एंटीजेंस। अब एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हुए अपने कॉरेस्पॉन्डिंग के, वो उसी के जो है ना पर्टिकुलर जो एंटीजन उसी के अगेंस्ट जो बनी है उसके साथ ही वो बाइंड करेंगी, इंड्यूस देयर डिस्ट्रक्शन बाय अदर इम्यून सेल्स, और डिफरेंट इम्यून सेल्स उसको किल कर देंगी। तो उससे क्या होगा कि आप डिफेंस क्रिएट होगा और वो डिजीज का इफेक्ट नहीं हो सकेगा, ठीक है। आप उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, मेन क्लासिफिकेशन जो है वैक्सीन की कौन कौन सी हैं, कि होल एजेंट वैक्सीन हैं और सब यूनिट वैक्सीन हैं। इनके नाम से भी जाहिर है होल एजेंट का मतलब है कि पूरे का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ किया जाता है वैक्सीन कंस्ट्रक्शन में, उसके नाम से जाहिर है। कि नॉन विरुलेंट, इसका मतलब कि डिजीज नहीं काज करता है, लेकिन सिर्फ उसका काम क्या है कि एक इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना। अच्छा, सब यूनिट ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, उसका पोर्शन एक पार्ट है के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाए, इसके साथ कुछ एडिशनल समथिंग एडजुवेंट्स ऐड किए जाते हैं कि जो जो है ना इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन। एडजुवेंट्स में आर नॉट पार्ट ऑफ द पैथोजन, का पार्ट नहीं होता। अच्छा, एग्जांपल डिपेंड ऑन डेड और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, सेफर देन एट एनी। अच्छा, अब ये बाकी की अब देखें क्लासिफिकेशन से, फिर नेक्स्ट इसको कंपेरिजन इसका किया जाएगा पैरल। अच्छा, जो होल जो है वैक्सीन जो है होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया उसमें, उसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, इनएक्टिवेटेड है, इनएक्टिवेटेड जैसे मैंने पहले बताया इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन भी कहते हैं, और अटेनुएटेड, अटेनुएटेड लेसेंड वीकेंड, ठीक है, उसको एक्टिवेटेड भी कहते हैं, लेकिन उसमें बहुत स्मॉल पोर्शन जो एक्टिवेटेड है। अच्छा, अब जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड यूजिंग फॉर्मलिन। अब किल्ड कैसे कि फॉर्मलिन ये हाई टेम्परेचर में किए जाते हैं एंड प्रेजेंट नो रिस्क ऑफ गेटिंग द डिजीज। डिजीज नहीं काज करते बट डिफेंस प्रोवाइड करते हैं ओनली। डीएनए म्यूटेशंस हैव अकुमुलेटेड ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म सेल कल्चर बट देयर इज अ रिस्क ऑफ गेटिंग द डिजीज। अब जो लाइव दी जाती हैं वैक्सीन जो अटेनुएटेड हैं या एक्टिवेटेड फॉर्म में, अब ये है कि उनकी लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन करते उसमें म्यूटेशन हो जाती है, और उसमें ये है कि डिजीज़ का थोड़ा बहुत चांस होता भी है कि इसमें डिजीज़ जो है वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत माइल्ड है, नेग्लिजिबल है, ये यूज़ की जाती हैं और डिजीज़ काजिंग नहीं है। और इसकी एग्जांपल जो है MMR है, इनको कॉकटेल वैक्सीन भी बोलते हैं। इसमें ना कि डिफरेंट वैक्सीन के कॉम्बिनेशन में जो है ये दी जाती हैं और ये डिफरेंट जो है ना डिजीज के अगेंस्ट जो है डिफेंस प्रोवाइड करती हैं, और जो इनएक्टिवेट के रेबीज जो है वैक्सीन जो है, ठीक है। और जो है अब जो सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में आते हैं, इसमें क्या है कि पोर्शन है एडजुवेंट है, समथिंग इज एडिशनल जो है ऐड की जाती है। अच्छा, ये सेफर है देन अटेनुएटेड वैक्सीन, नो रिस्क ऑफ गेटिंग द डिजीज। अब जो कोरोना वायरस की वो भी ये ज्यादा रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन पे काम किया जा रहा है दुनिया में। इसकी एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है, ठीक है, दीज आर द मेन टाइप्स, ये आपने याद रखनी है। और इन्हीं मेन टाइप्स से थोड़ी सी नेक्स्ट जो है टाइप्स कुछ और भी ओरिजिनेट की गई हैं, ये तो सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से है ना। अब कुछ एक एक टाइप है कि टॉक्सिकॉइड वैक्सीन है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं यूज़ किए जाते, वो नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कौन सी हैं। अच्छा, ये लाइव है या अटेनुएटेड जिसका पहले बताया, उसकी जो है ये डिफरेंट वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस की है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, मीजल्स के लिए है, रोटा वायरस के लिए है, येलो फीवर के लिए है। अब इनएक्टिवेट जो वेटेड है या किल जो है एंटीजन कह लें या वैक्सीन कह लें, वैक्सीन का लफ्ज आएगा तो एंटीजन ही होगा, ये एंटीजन ही दिए जाते हैं। अच्छा, होल सेल जो है ये जो है पर्टस
परट्यूसिस जो है और पता नहीं इनएक्टिवेट पोलियो वायरसेस की ये एग्जांपल्स। अच्छा अब सब यूनिट हैं या रिकम्बिनेंट वैक्सीन में, इसमें ये हेपेटाइटिस बी की, निमोनोकोकल जो आ जाती है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो है ये आ जाती है, अच्छा ए सेलुलर परट्यूसिस आ जाती है कुछ इस तरह से, ये डिफरेंट जो है डिफरेंट डिजीज से के अगेंस्ट काम करती हैं। अच्छा ये टॉक्सिक आयड इन, ये भी इनएक्टिवेटेड, ये पीछे पड़ा ना इनएक्टिवेटेड जो जो है इसी में ही आ जाती है टॉक्सिक आयड भी, बट ये है कि इनका जो सोर्स है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये नहीं लीजिए, तो कुछ टॉक्सिक टॉक्सिन्स लिए जाते हैं जैसे, और उनको भी इनएक्टिव फार्मिकेल्ड टॉक्सिन्स हैं, और इसमें ये जो है टैटनस के अगेंस्ट यूज की जाती हैं, डिफ्टेरिया जो है, टॉक्साइड जो है, ये डिफरेंट डिजीज है। अच्छा अब इनकी ये इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन कैसे, तो वैक्सीन आर प्रोड्यूस इन लार्ज स्केल एज दे नीड टू बी एडमिनिस्टर टू लार्ज पॉपुलेशन। अब इनकी ज्यादा प्रोडक्शन इसकी जरूरत होती है लार्ज स्केल पे कि एक ह्यूज पॉपुलेशन को इसको जो है ना इसको एडमिनिस्टर यानी कि आप उसको दे सकें, डोज दे सकें। ठीक है पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन है, एडल्ट बच्चों को और बड़ों को, ठीक है। अच्छा टू बी इफेक्टिव एज ए पब्लिक हेल्थ, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि बच्चों को जब पैदा होते हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के साथ डिफरेंट एजेस पे डिफरेंट टाइप की वैक्सीनेशन की जाती हैं, उसमें पोलियो है, टेटनस है और भी अदर वैक्सीन हैं जो दी जाती हैं। और ये देखें कि वैक्सीन जो हैं ये वर्किंग हैं, इनसे इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा जो जिनसे लोग पहले कभी बहुत ज़्यादा डरा करते थे ये डिजीज़ लाइफ थ्रेटनिंग है, हाय ये है वो है, अब इस पर काबू पा लिया गया है, ठीक है ये वैक्सीनेशन जो है पहले कर ली जाती है। अच्छा और ये काफ़ी वर्किंग है और इनके थ्रू काफ़ी जो है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज पे काबू पाया गया है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन हैज सेवरल स्टेजेस, उसकी अब प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेजेस हैं। सबसे पहले जनरेशन है कि आपने जो एंटीजन है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है, आपका जो माइंड में कोई गोल सेटअप है कि आपने वायरल बनाना है बैक्टीरियल बनाना है, तो वो जो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी आइसोलेशन कहाँ से करनी है, सबसे पहले जनरेशन है, फिर प्योरीफाई करना है, प्योरीफिकेशन डिफरेंट मैथड्स हैं, फिर इनएक्टिवेट या इनएक्टिव रहने देना, फिर फार्मोलेशन है, अच्छा उसमें फिर उसमें फिलिंग है आ जाता, फिर बैच रिलीज है, पैकिंग है, एंड लास्टली शिपिंग है। अच्छा अब इसमें जनरेशन में देखें वायरसेस बैक्टीरिया है उनको अब आपने अगर आइसोलेट करना है, आइसोलेट करने के बाद जाहिर है आपने उसने प्रोपेगेट भी करवाना है, तो प्रोपेगेट ये इन विट्रो कंडीशंस में काम हो रहा है ना, सारी एसेप्टिक कंडीशंस में, लेबोरेटरी कंडीशंस में काम हो रहा है, तो इसमें आपने ये नहीं कहना कि ओपन बेंच होगा तो हम कहेंगे कि पर्टिकुलर, जैसे कल पढ़ा था कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए डिफरेंट टाइप के बायोमास चाहिए होते हैं, वो तो ओपन बेंच पे है इन वीवो कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन। अगर आपने एसेप्टिक लेबोरेटरी कंडीशन में काम करना है इन विट्रो कंडीशन में, तो देन क्या है कि आपने जाहिर है कि उसको ग्रो करवाने के लिए उसको सबस्ट्रेट देना है जिसमें वो प्रोपेगेट कर सके, और वो भी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ही उसको जो मीडियम प्रोवाइड करना है जिसमें वो प्रोपेगेट कर सके। और वायरसेस के लिए जो मोस्टली यूज किए सेल्स फ्रॉम चिकन एम्ब्रियोस यूजिंग फर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक है ये यूज किए जाते हैं, इसमें उसको प्रोपेगेशन फिक रहेंगे, सेल लाइंस इससे हासिल किए जाते हैं, काफ़ी जो है ना जो है ये रिपीटेडली, ठीक है इसकी एग्जांपल है हेपेटाइटिस ए। बैक्टीरिया आर ग्रोन इन बायो रिएक्टर्स, ठीक है, विच आर डिवाइसेस दैट यूज पर्टिकुलर ग्रोथ मीडियम दैट ऑप्टिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीजन। डिफरेंट टाइप्स के बायो रिएक्टर में डिफरेंट टाइप के ग्रोथ मीडियम जो है, मीडियम आपको पता है ना कि उनके बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए डिफरेंट मीडिया जो है कल्चरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं बायो रिएक्टर्स में, तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट एंटीजन्स। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स जो है सब यूनिट वैक्सीन के डिराइव्ड फ्रॉम द पैथोजन कैन बी जनरेटेड आइदर यीस्ट बैक्टीरिया एंड डिफरेंट कल्चर्स, इनके भी करवाए जाते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इनके जो इफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन पे, टेम्परेचर है, पीएच है, ऑक्सीजन रेट है, अब स्टीराइल कंडीशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इन विट्रो पे काम कर रहे हैं तो उसमें कोई कंटामिनेशन ना आए और होमोजेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब प्योरीफिकेशन नेक्स्ट है, अब मायज है आपने वैक्सीन जो है आप कल्चर लगाया आपके पास, आपके हार्वेस्ट किया उसको, ठीक है आपके पास आइसोलेशन किया आपने पर्टिकुलर माइक्रो, फिर उसको प्योरीफाई करना आपने,
यू अंडरस्टूड है, प्यूरीफाई करना है, डिफरेंट टेक्निक्स है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट थ्रू द थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड प्यूरिफिकेशन विच आर रेमिनेट्स एनी ट्रेसेस इन द कल्चर मीडिया. ठीक है, अब हमारा मकसद क्या है कि उसको प्योरीफाई करना है. ठीक है, अच्छा, विच मीडिएट एनी ट्रेसेस इन द कल्चर मीडिया, के किसी भी कल्चर मीडिया पे हमने जस्ट उसको है, लेकिन उसमें वो बाकी की चीज़ें जो है नहीं रहनी चाहिए. प्योरीफाइड प्रोडक्ट जो है हमें, हमारा जो मकसद है कि वो हासिल करना है. उसका देखें, ये देखें फर्मेंटर है डिफरेंट. अब इसमें कल्चर बैक्टीरिया के डिफरेंट मीडिया में इसकी ग्रोथ करवाई जाती है, फिर उसकी कॉलोनीज आई तो हार्वेस्ट कर लिया जाता है, फिर फिल्टर कर लिया जाता है. अब आपको मैंने जो है डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ाई थी एक्सट्रैक्शन एंड प्योरीफिकेशन. फॉर एग्जांपल अगर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज़ की तो साइज एक्सक्लूजन कॉलम यूज़ किया जाता है. फिर उसके बाद जो है आपने इनएक्टिवेट करना है, तो वो उसमें जो भी आपने केमिकल फॉर्मालिन है या हीट से उसको इनएक्टिवेट करना है, वो चीज़ फिर जो फार्मुलेशन की जाती है, और फिर एंड पे आपको पता है कि ड्राई फॉर्म में उसको स्टोरेज करना है या जिस तरह से उसकी स्टोरेज फाइनल प्रोडक्ट की जाती है. ये जो है प्योरीफिकेशन के लिए है फाइनली. अच्छा, अब इनएक्टिवेशन है, इनएक्टिवेशन है, देन इनएक्टिवेट द वायरस आर बैक्टीरिया रूमिनेट द एबिलिटी टू काज डिज. बस मतलब यही है कि इनएक्टिवेट जो है जो हमारे पास जो भी आपने वैक्सीन की कंस्ट्रक्शन करनी है उसमें यह है कि डिजीज ना काज कर सके. इतने की जो है ऐसे जर्म्स हैं, डिफेंस प्रोवाइड करें लेकिन डिजीज ना काज करें. अच्छा, वी रिटेन इट्स एबिलिटी टू लेयर प्रिकॉशनरी जो है ना मेयर जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं. अच्छा, फार्मूलेशन में क्या करते हैं? वंस द एंटीजन इज डिवेलप्ड द वैक्सीन इज फार्मूलेटेड बाई एडिंग एडजुवेंट्स. एडजुवेंट समथिंग इज एन इन एडिशनल, जैसे जैसे सब यूनिट्स के लिए हैं. अच्छा, वह एंटीजन डिवेलप एडजुवेंट्स को ऐड किए, इसमें जो है ना ये बाकियों के लिए भी किए जाते हैं, स्टेबलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं और प्रिजर्वेटिव्स. ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. स्टेबलाइजर जो है आपको पता है कि टेम्परेचर की स्टेबिलिटी देखा जाता है, और प्रिजर्वेटिव्स जो है इसमें कंटेमिनेशन वगैरह ना आए, ये सभी के लिए किया जाता है. अच्छा, द रोल ऑफ द एडजुवेंट इज टू एनहांस द इम्यून रिस्पॉन्स. जाहिर है कि वो अगर जितनी पेरिफेरल इम्यून सिस्टम अच्छा सा रिस्पॉन्स उसका देगी, द स्टेबलाइजर इंक्रीज द स्टोरेज लाइफ एंड प्रिजर्वेटिव्स यूज द यूज ऑफ एलोम मल्टी डोज वायल्स. वायल्स वही ना जिसमें आपकी फाइनल पैकिंग होती है. ठीक है, फिलिंग में क्या है? When it's time for the vaccine to be administered, जब वक्त आ जाता है कि वैक्सीन अब देनी है, पहले तो बन गई ना उसकी जो बॉर्डर फॉर्म में आपने स्टोरेज भी कर ली, अब आपके पास वुड बी रिकंस्टिट्यूटेड बाय कंबाइनिंग द पाउडर विद डाइल्यूएंट्स. डाइल्यूट किया जाता है, अब पाउडर तो नहीं दे देना ना, आपके पास पाउडर फॉर्म में वैक्सीन है तो उसमें डिफरेंट जो है लिक्विड आप जो भी पर्टिकुलर है उसमें ऐड करके उसकी डाइल्यूशंस बनाएंगे. द वैक्सीन इज लिक्विड आर फ्रीज ड्राइड. ठीक है, फॉर्म में होती है. अच्छा, उसको पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे प्रिजर्व किया. अब डाइल्यूएंट्स इज नीडेड, आप उसमें मस्ट एक डाइल्यूट किया, देन फिल्ड इन टू सीड सिरिंज में, और जैसे आप ड्राई फॉर्म में ये जो टैबलेट टेबल ये जो है टैबलेट्स जो हैं ये उस फॉर्म में भी दी जा सकती है. ईच फेज अंडर गोज विजुअल इंस्पेक्शन. आप उस हर स्टेज पे आपने उसको देखते भी रहना कि कंटेमिनेशन वगैरह तो नहीं आ गई, कोई और प्रॉब्लम, को फिजिकल सिम्टम्स साइंस तो नहीं नजर आ रहे. अच्छा, क्वालिटी कंटेनर्स आर स्क्रूटनाइज बाय ह्यूमन आई. ठीक है, एस्टीराइल एंड स्टीराइल इन डिजिटल सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी. वही है कि आप उसमें देखें कि वो जो मैक्सिमम जो है वैक्सीन का काम है कि जो डिजीज़ का इन्फेक्शन काजिंग तो नहीं है, उसका सिर्फ रोल है कि इम्यून सिस्टम को इन्हांस कर रही है उसकी जो जो है ना. आप देखेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि ये वैक्सीन ठीक वर्कआउट नहीं कर रही तो फिजिकल साइंस आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे, नेक्स्ट आप फिर नेक्स्ट उसका वो लगाएंगे, सारा सिस्टम करेंगे. सैंपल्स आज अ बैच, अब इसमें फर्मेंटेशन है, इसमें जो बैच फर्मेंटेशन और कंटिन्यूस फर्मेंटेशन की जो बैच जो है वो ज़्यादा आइडियल. सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम ईच बैच, हर बैच पे इसको चेक किया जाता है वैक्सीन की प्रोडक्शन के टाइम पे. ठीक है, उसको विजुअली भी ऑब्जर्व किया जाता है और वैसे भी टेस्ट किया जाता है. आफ्टर वैक्सीन आर सक्सेसफुली पास, बोथ साइड्स ऑफ टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बिगैन.
उसके टेस्ट किए जाते हैं ना, जैसे ह्यूमन ट्रायल्स कोरोना के बना के ह्यूमन ट्रायल्स किए जा रहे हैं यूएसए में, और सक्सेस स्टोरी भी है उसमें. अच्छा, नो एक्सेप्शंस इफ अ बैच इज नॉट मेड विद क्वालिटी क्राइटेरिया विल बी डिस्ट्रॉय. तो आपके माइंड में जाहिर है क्योंकि क्वालिटी होती है, क्राइटेरिया है कि ये क्राइटेरिया को अगर फुलफिल कर रही है हमारी जो वैक्सीन जो प्रोड्यूस की गई है, तो देन आप उसको कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड कर देते हैं. फिर फाइनली अगर आपकी सही वैक्सीन आपके क्राइटेरिया पूरी उतरती है, तो उसकी फाइनल जो है उसका स्टेप पैकिंग और शिपिंग की जाती है. फॉर द पैकिंग एंड शिपिंग वैक्सीन मस्ट बी स्टोर, इनकी स्टोरेज जो है ये रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पर की जाती है, 2 to 8 degrees है. अच्छा, टेम्परेचर ट्रैकिंग डिवाइस इंक्लूडेड इन ईच शिपमेंट. अब शिपमेंट जो क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने अब्रॉड लेके जानी है वैक्सीन, तो आपके पास डिवाइसेज ऐसी होती हैं कि वो जो उसका जो टेम्परेचर है एक पर्टिकुलर टाइम तक जो है उसको मेंटेन रखे ताकि स्टेबल रहे आपकी वैक्सीन. जिसके एग्जाम्पल ऐसे ही जैसे आप थर्मोस में चाय वगैरह डाल लेते हैं तो वो काफ़ी देर तक गर्म रहती है ना उसका एक, इसी तरह से कुछ डिवाइसेज हैं अगर आपने उसको चिल्ड लेके जाना है, उसका टेम्परेचर आप नहीं चाहते कि टेम्परेचर शॉक लगे ताकि आपकी प्रोडक्ट जो स्टेबल रहे, तो कुछ डिवाइसेज में वो हर शिपमेंट में, और आपकी आपको पता होता है कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वो कितने आवर्स की है, उस लिहाज से उस तरह की डिवाइसेज यूज़ की जाती हैं ताकि उसकी स्टेबिलिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े. जैसे आप यूएसए से सुनी न्यूज़ सुनी थी कि बन गई हैं वो ट्रायल वर्जन में हैं और वो पाकिस्तान को देंगे और ये वो फला फला. अच्छा, आप सिग्निफिकेंस ऑफ वैक्सीन क्या हैं, मेक्स गुड इकोनॉमिक सेंस. ठीक है, इकोनॉमिकली आपको पता है कि कितना इसकी वैल्यूएबल है. मीट्स द नीड टू केयर फॉर द वीकेस्ट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. कि अब जो बेचारे जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इम्यून डेफिशिएंट पीपल हैं, उन बेचारों के लिए ये काफ़ी वर्कआउट करती हैं कि उनका जो है वीक बंदों के लिए उनको बचाती हैं मुख्तलिफ बीमारियों से. रिड्यूसिंग ग्लोबल चाइल्ड मोर्टेलिटी. ठीक है, ग्लोबल लाइफ सेविंग इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डेडली डिजीज. कुछ लोग डरे हुए थे को जो बहुत खतरनाक डिजीजेज वाले लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज हैं उसके अगेंस्ट जो है डिफेंस प्रोवाइड करती हैं, उससे बचाती हैं. लाइक मीजल्स हैं फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ डिजीजेज हैं लेकिन ये डाइट मीजल्स हैं, ये भी वायरल डिजीजेज हैं सारी एग्जाम्पल के तौर पर दी गई हैं. ठीक है, और जो है ये भी इन्फ्लुएंजा टाइप जो है डिजीजेज है, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा जो है, और रोटा वायरस जो है ये वायरल डिजीज है, ये डायरिया एक्सेट्रा काज करते हैं. एग्जाम्पल्स में है और भी काफ़ी डिजीजेज हैं. अब ये देखें कि आप देखें कि इम्यूनिटी में जो है ना, आप देखें कि जो सम पीपल जो हैं जब बच्चे पैदा होते हैं ना, कुछ नेचुरली बाय बर्थ इम्यून डेफिशिएंट होते हैं, उनमें इम्यूनिटी बहुत वीक होती है. अब वो जो आप देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो, और जो इम्यून डेफिशिएंट बंदा है ना वो ग्रो भी करता रहता है, उसमें वो खिंच खिंच रहती है, जैसे कोई ना कोई बीमारी हल्की फुल्की नज़ला फ्लू या कुछ ना कुछ उसको हुआ रहता है, मतलब परफेक्ट जो हेल्दी लाइफ नहीं गुजार रहा होता. और जो ऐसे बंदे होते हैं ना, एक टाइम आता है कि उनकी जो है ना सेकेंडरी इम्यून डेफिशेंसीज जो हैं वो पैदा हो जाती है, उससे बहुत सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज जो हैं पैदा हो जाती हैं. देन तो प्राइमरी इम्यून डेफिशेंसी है कि जो बाय बर्थ वो खिंच खिंच हल्की हल्की और छोटी बीमारियों से बड़ी बड़ी बीमारियाँ जन्म लेती हैं, तो वो सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसीज में आ जाती हैं. अब जो है उनको ये जो वैक्सीन्स क्या है, बेचारे जो वीक इम्यूनिटी के बंदे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है और उन्हें ये डिफरेंट डिजीज से बचाते हैं. तो उम्मीद की जाती है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी. तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि वैक्सीन्स क्या होती हैं, ठीक है, और जो है वैक्सीन की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, मेन टाइप्स कौन सी हैं, इनकी प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेप्स देखे हैं किस तरह से बनाई जाती हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग पूछ लें और आप लोगों के